आपने कभी सोचा है कि साबूदाना खिचड़ी हम इंस्टेंटली बना दें बिना साबूदाना भिगाए या अगर कच्चे आलू हो तो हम इंस्टेंटली कैसे बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी, ये आप इस वीडियो में देखना। प्रेशर कुकर का बढ़िया इस्तेमाल किया गया है और साबूदाना का एक एक दाना दोस्तों खिला खिला आएगा और रिजल्ट एक्सीलेंट आएगा, तो एक बार इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पर 1.5 कप तक साबूदाना लेना है। ये कहीं से भीगा हुआ साबूदाना नहीं है, मैंने सीधा ही पैकेट से काट कर लिया है। और आप बस ये करना कि इसको 2 बारी तक अच्छे से धो लेना। साबूदाना पर्ल्स जो होते हैं वो नेचुरली नहीं बने होते, वो स्टार्च के गोले होते हैं छोटे छोटे, तो आप इनको जितना धोगे उतना ज्यादा ये स्टार्च रिलीज करेंगे। तो 2 बारी सिर्फ इसलिए धोया है ताकि गंदगी निकल जाए। और अब आपने क्या करना है कि एक ऐसा बर्तन लेना है स्टील का जिसमें ढक्कन बढ़िया हो। अभी आपको समझ में आएगा कि क्या करने वाला हूँ मैं। आप अच्छे से धोकर सारा पानी ड्रेन आउट कर लेना साबूदाना से और इस बर्तन में आप डाल देना सारा साबूदाना, ताकि आपका साबूदाना बिल्कुल भी चिपका चिपका ना बने। आप यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डाल देना, फ्लेवर के लिए आप 1/2 चम्मच तक चीनी डाल देना और 1/2 चम्मच सेंधा नमक डाल देना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पर डाल ली है इन चीजों के साथ वो ये है कि आपने यहाँ पर पानी डालना है, लेकिन बहुत थोड़ा पानी डालना है। 1 कप साबूदाना के लिए आपको मिनिमम 3 टेबलस्पून पानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप यूज किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है। इससे ज्यादा इस्तेमाल मत करना दोस्तों। मैंने इस रेसिपी को मल्टीपल टाइम्स बहुत बार बनाकर देखा है, राइट कॉम्बिनेशन यही बैठता है, इस बात का आप ध्यान देना। ये सारी चीजें दोस्तों आप अच्छे से मिला देना और अब सीधा ही चलते हैं प्रेशर कुकर में। 1.5 कप साबूदाना के लिए लगभग 2 आलू काफी होंगे मेरे हिसाब से, इनफैक्ट ज्यादा ही हो जाएंगे, तो आप छोटे आलू यहाँ पर लेना 2। और अब आपने डालना है पानी। दोस्तों पानी डालते हुए इस बात का ध्यान जरूर देना कि आपने ऊपर तक पानी नहीं डालना, जो ये बर्तन है इसके सिर्फ 1/4 तक पानी आना चाहिए। अगर पानी आपने ज्यादा भर दिया तो ये साबूदाना सही नहीं बनेगा, तो ज्यादा पानी मत डालना, 1/4 तक ही डालना। आलू भी इसमें आराम से पक जाएंगे स्टीम से और साबूदाना तो अच्छे से पक ही जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर साबूदाना के बर्तन का ढक्कन लगाना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये दोस्तों। और उसके बाद बस आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाना और मीडियम फ्लेम पर आपने 4 सीटी देनी है। हाई फ्लेम पर मत करना कुकिंग, मीडियम फ्लेम पर ही करना। इतनी देर में मैंने क्या किया है कि सारी प्रिपरेशन कर ली है, हरी मिर्चें ली हैं तो उनको फाइनली चॉप कर लिया है। कई लोगों के घरों में टमाटर खाया जाता है व्रत में, क्योंकि टमाटर और नींबू एक फ्रूट है, सब्जी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो फलाहारी खाने में टमाटर और नींबू दोनों खाए जाते हैं, अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने धनिया भी फाइनली चॉप कर लिया है और अदरक को भी फाइनली चॉप कर लिया है। ये तो हो गई दोस्तों सारी तैयारियाँ। इतनी देर में 4 सीटी आराम से आ जाएंगी और जैसे ही 4 सीटी आ जाए आप गैस को बंद कर देना और प्रेशर कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देना। बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा क्योंकि पानी इतना तो है नहीं, तो मुश्किल से आपको 7-8 मिनट लगेंगे। और जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए आप जब ढक्कन खोलोगे तो आप खुद ही देखना आलू एकदम अच्छे से पक चुके होंगे। और साबूदाने का क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको अभी, लेकिन पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ जो आपके और क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं पहले कर देता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि साबूदाना मैं डायरेक्टली प्रेशर कुकर में डाल दूँ, थोड़ा घी में भून लूँ ताकि दाने एकदम अलग अलग हो जाए और पानी भर कर सीटियाँ लगा दूँ, तो क्या साबूदाना पक जाएगा? दोस्तों साबूदाना पक तो जाएगा, लेकिन वो इतना चिपका चिपका होगा कि आप उसको खा नहीं पाओगे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और ना ही इसका वो नेचुरल रिजल्ट आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप इसको स्टीम कर लो, स्टीम करके जल्दी काम हो जाएगा, तो दोस्तों मैंने वो करके देखा प्रेशर कुकर में। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी में साबूदाना डाला है, थोड़ा घी चीनी भी डाली है ताकि ये चिपके ना, और इसको स्टीम करके यानी कि सीटियाँ देकर भी देखा, तो जो रिजल्ट आता है वो ये है कि आपको इडली मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि इतने पानी होने की वजह से साबूदाना इतना ज्यादा चिपक जाता है कि इसको अलग अलग करना बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम सारी ये है दोस्तों। दोस्तों मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से ट्राई करूं और फिर जो बेस्ट रिजल्ट आए मैं वही आपसे शेयर करूं। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं, जब आप ढक्कन खोलोगे तो साबूदाना शुरुआत में तो चिपका चिपका ही होगा क्योंकि हमने बर्तन में इतना पानी डाला ही नहीं था, तो साबूदाना बहुत जल्दी बहुत आराम से अलग अलग भी हो जाएगा। आपने करना क्या है कि आपने साबूदाना लेना है, उसको आप ऐसे स्ट्रेनर में डालना और पानी से जब आप ऐसे धोगे और अपने हाथों से अलग करने की कोशिश करोगे तो एक एक दाना अलग हो जाएगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बाद में वो चिपकने लग जाए अपने आप से।
धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे रब करोगे ठंडा पानी डाल डाल के, वैसे वैसे साबुदाना सारा अलग हो जाएगा। और जो ये पानी है आपको पता है क्या करना है, आपने नाली में नहीं डालना, आपने इसको पौधों में डालना है। वेस्ट बिल्कुल मत करना पानी दोस्तों। अच्छा, अब मैंने क्या कर रहा है कि आलू छिल लिए हैं और उनको काट लिया है अपनी शेप के अनुसार, और मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ कि मैं खिचड़ी कैसे बनाऊंगा कुकर में ही उसी बर्तन में, ताकि आपके बर्तन भी ना निकले। तो प्रेशर कुकर में आप थोड़ा सा देसी घी डालना, और सबसे पहले आप मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना जब तक उनमें से वो चटकने वाली आवाज नहीं आ जाती। बढ़िया सा रंग आ गया है मूंगफली में, तो इसको आप निकाल लेना। थोड़ा सा और घी मैंने डाला है, और शुरुआत में मैंने यहाँ पर जीरा डाला है और करी पत्ता डाला है, और बिल्कुल आपने इंतजार करना है कि ये अच्छे से चटके, आवाज आनी चाहिए अच्छे से। फिर आप यहाँ पर टमाटर डालना, लेकिन इस बार टमाटर के साथ नमक बिल्कुल मत डालना, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि टमाटर ज्यादा गले। हल्के से खड़े खड़े टमाटर आपको चाहिए, तो इस बार नमक नहीं, इस बार टमाटर के साथ आप हरी मिर्च डालना कटी हुई और अदरक डालना कटी हुई। इनको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद दोस्तों, ये देखो टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, इस स्टेज तक आपने पकाना है और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। तो फिर आप यहाँ पर हमारा प्रेशर कुकर वाला साबुदाना डाल देना, और आप खुद ही देख सकते हो कि दाने अब कितने अलग हो चुके हैं दोस्तों। इस मसाले में घी है, तो अब क्या होगा कि घी में जब साबुदाना लिपटेगा तो अपने आप ही दोस्तों एकदम अलग अलग होगा और पक जाएगा। आप यहाँ पर थोड़ी देर तक पकाना, लगभग 1 मिनट तक स्टर करना, और फिर आप यहाँ पर आलू डाल देना। आलू के साथ साथ मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है लगभग 1 टीस्पून तक, सेंधा नमक डाला है वो भी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है फ्रेश एकदम कुटी हुई, और आखिर में मूंगफली। ये सारी चीजें आप अच्छे से मिलाना, सारे मसाले चीनी सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। और जब सारी चीजें अच्छे से मिल जाए तो आप गैस को बंद करना, और गैस बंद करने के बाद ही आप यहाँ पर फ्रेशली कटा हुआ धनिया डालना, एंड में नींबू डालना। अगर आप नवरात्रि में नींबू खाते हो तो नींबू बहुत सपोर्ट करता है साबुदाना खिचड़ी को। क्यों? क्योंकि उससे साबुदाना का एक एक दाना अलग अलग रहता है और चिपकता नहीं है। स्टार्च में कुछ ऐसा ही काम करता है एसिड, और आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों कि साबुदाना का एक एक दाना खिला हुआ है, और किसी को यकीन होगा कि हमने मुश्किल से 10-15 मिनट में साबुदाना खिचड़ी बना दी है, वो भी प्रेशर कुकर में। नहीं ना दोस्तों, मैंने इस रेसिपी को कई बार ट्राई करके देखा है, और जो बेस्ट रिजल्ट आया है वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो इसी बात के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप अष्टमी और नवमी के प्रसाद के लिए एक बढ़िया सी काली चने की रेसिपी देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे आप जरूर क्लिक करना, आपके बहुत काम आएगी।